शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे लड़ाई झगड़ा तो खत्म हो गया, तो फिर ये पुलिस? हे भगवान, अब कौन सा नया बवाल हो गया? वाह कीर्ति, मेरे बदले की आड़ में तुमने पुलिस बुला के अपना उल्लू सीधा कर लिया। गजब है, पर जबरदस्त है। यहाँ तो तुम्हारा शुक्रिया अदा बनता है रोशनी, जो आखिर में हमारी बात तुमको समझ आई और पुलिस को बुला ही लिया। इंस्पेक्टर साहब, यही है श्रद्धा त्रिपाठी, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। क्या बकवास किए जा रही हो? अरे तुम्हें तो श्रद्धा का शुक्रिया अदा मानना चाहिए कि तुम्हें अभी भी इस घर में रहने की जगह दे रखी है। इंस्पेक्टर, आपने देखा ना कैसे मेरे साथ यहाँ पे बर्ताव किया जाता है? पहले इस आदमी ने मुझसे प्यार का नाटक किया, फिर मुझे शादी का वादा दिया और फिर दूसरे पल मुझे छोड़ दिया। हाँ रोशनी सच कह रही है, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है और इसकी गवाह हम हैं। कीर्ति चुप रहो। क्यों चुप रहे वरुण जी? क्योंकि इनकी पत्नी हमारी सगी बहन है, पर हमें दिख रहा है ना कि हमारी बहन के चलते कैसे एक बिचारी लड़की की जिंदगी खराब हो रही है। भाभी आप अपनी बहू को बोल दीजिए कि तमाशा ना करे, वरना हम कुछ बोल देंगे ना तो पर... कीर्ति आप क्या कर रही है? अब आप एक शब्द नहीं बोलेंगी। कीर्ति कुछ बोले ना बोले उससे सच तो नहीं बदलेगा ना, और सच यही है कि आज ये लोग जो श्रद्धा का साथ दे रहे हैं ना, इन सब ने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। गिरफ्तार कीजिए इन सबको। इंस्पेक्टर मैडम जी जय हिंद। देखिए ये हमारे घर का आपसी मामला है, हम इसे आपस में ही सुलझा लेंगे, आप समझ रही है ना? मैं सब कुछ समझ रही हूँ। आपने क्या कहा? इन सब ने मिलकर आपके साथ गलत किया। हाँ इंस्पेक्टर, अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, प्लीज। हम आपकी मदद करने नहीं, आपको गिरफ्तार करने आए हैं। मुझे? पर क्यों? मैंने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखवाई है रोशनी। इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लीजिए इसे। कुछ नहीं किया, धोखा तुमने और तुम्हारे परिवार ने दिया है मुझे। झूठ बोलना बंद करो रोशनी। एक बात बताओ, तुम इस घर में कैसे आई? कौन लेके आया तुम्हें इस घर में? अभय लेकर आए? तुमसे शादी करने का वादा किया उन्होंने, या फिर इस घर में तुम्हें मैं लेकर आई अभय का इलाज करवाने के लिए? बताओ। तुमने अभी कहा ना सब ने इस घर में तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। खिलवाड़ तुमने किया है, अपने डॉक्टर होने का फायदा तुमने उठाया है। तुम अभय को गलत दवाइयां देती आ रही थी ताकि अभय की याददाश्त कभी वापस आ ही ना पाए। वो भी सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम मन ही मन अभय से शादी करने का प्लान बना रही थी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये पूरा सच नहीं है। मैंने अभय को धोखा नहीं दिया, इसने मुझसे प्यार के वादे किए, मुझसे शादी करना चाहता था और ये सब गवाह हैं इस चीज के।
हाँ, बात ना मंडप तक पहुंच गई थी, शादी होने वाली थी दोनों की इंस्पेक्टर। लेकिन शादी होती कैसे? ये श्रद्धा मुझे कमरे में बंद करके खुद मंडप पे जाकर बैठ गई और अभी भी मुझसे ही शादी करना चाहता था। लेकिन जब से उसकी याददाश्त वापस आई और अपनी पत्नी को देखकर मुझे भूल गया। बिल्कुल सही कहा तुमने रोशनी, याददाश्त अभय की गई थी। मगर तुम्हें तो सब कुछ पता था ना, पहले दिन से तुम ये सच्चाई जानती थी कि मैं अभय की पत्नी हूँ। मगर तुमने क्या किया? सब कुछ जानने के बाद भी तुमने अभय को हाँ बोला। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि ये जानती थी अपनी डॉक्टरगिरी दिखा के ये अभय और हम सबको गुमराह कर सकती है। मैडम जी, इसने तो हमें यकीन दिला दिया था कि हमारे बेटे की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। इंस्पेक्टर मैडम जी, ये तो हमारी श्रद्धा थी जो डटी रही अपने पति की याददाश्त वापस दिलाने में। इस फर्जी डॉक्टर ने हम सबको डरा के रखा था। नहीं नहीं, अभी को कुछ याद मत दिलाइए वरना वो कोमा में चला जाएगा। रोशनी, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, कितना भरोसा किया था मैंने तुम पे। उसी भरोसे के साथ तुम्हें इस घर में लेके आई, हमारी जिंदगी में लेके आई थी ताकि तुम अभय का इलाज कर सको, और क्या कर दिया तुमने। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है रोशनी, तुम एक डॉक्टर हो, जिंदगी बचाना तुम्हारा फर्जी नहीं तुम्हारा धर्म है, उसमें भी धोखा, खुद से नजरें कैसे मिलाओगी तुम। बस कीर्ति, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। आप सबका बयान लिया जाएगा। डॉक्टर रोशनी, आपने अपने लाइसेंस का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं। एक सेकेंड इंस्पेक्टर साहब। श्रद्धा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रद्धा, मैं जानती हूँ मैं अभी के प्यार में अंधी होके मुझसे बहुत गलतियां हुई है, लेकिन तुम तो जानते हो मेरी जिंदगी कैसी रही है। इतने सालों के बाद मुझे प्यार मिला था तो बस मैं बह गई, मुझे कुछ समझ में नहीं है। देखो ना, देखो मैं कैसे पागल हो गई हूँ इस चीज की वजह से। अब इन्हीं बेवकूफियों की वजह से लाइसेंस भी मुझसे छीन जाएगा, इतने सालों की मेहनत मेरी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मत होने दो ऐसा, प्लीज। चलो इंस्पेक्टर साहबा, इस रोशनी के साथ साथ इस कुणाल को भी गिरफ्तार कर लीजिए। ये इनको इतनी चोट कैसे लगी? कल इसने मेरे बेटे और बहू पर जानलेवा हमला किया था, और इसका जो हाल है वो मेरे बेटे ने अपने सेल्फ डिफेंस में किया था। ये भी यहाँ आ गया, कहीं ये मेरा नाम ना ले ले। क्या ये सच है कि कुणाल ने आपकी जान लेने की कोशिश की? जी मैम, वो कुणाल। इंस्पेक्टर, हमें कुणाल के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी है। श्रद्धा, कुणाल को ऐसे छोड़ नहीं सकते। श्रद्धा, तुम जानती हो ये आदमी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। आखिरकार इस घर की लड़की मेरा हुक्म का इक्का बन गई। आरती के लिए श्रद्धा कभी मुझे गिरफ्तार करा ही नहीं सकती। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।